आदमी के जीवन में पाप और पाप के साथ साथ में मृत्यु भी आया है। ये सब इस धरती में कोई धर्म सिखाने के लिए नहीं आए। चलो मैं भी एक अच्छा धर्म पैदा करूं। जितना भी बीमारी कष्ट हो वो जाता रहेगा, यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे आप लोग, बहुत सारे लोग चंगे हो जाएंगे। लेकिन चंगाई होने से क्या होगा अगर आपके पापों की क्षमा नहीं मिली। लेकिन मैं खुशखबरी आपको देता हूँ, खुशखबरी और आशा भरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है, आप मरोगे फिर भी सदा के लिए जीवित रहोगे। रचना ही नहीं प्यारे भाई बहनों, सब कुछ रचना करने के बाद परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया। हम लोग के दिल में कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि परमेश्वर ने औरत को पहला बनाया या पुरुष को पहला बनाया। आपको पता है कोई भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, औरत के बिना कोई पुरुष पैदा नहीं होता। और पुरुष के बिना भी औरत नहीं। तो प्रश्न हमारे जहन में ये उभर के आता है कि आखिर पुरुष है ना स्त्री है। इसकी उत्तर हम परमेश्वर के वचन में मिलता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहला पुरुष को बनाया। हालेलुया, आदमी को बनाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदमी को अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने आदमी के साथ में रहने के लिए स्त्री को बनाया। और उस दोनों को कोई जाति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई देश नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई तू मैं नहीं, लेकिन क्या है कि दोनों ही जाति के लोग थे। हम परमेश्वर के वचन हमें साफ तरीके से बताता है कि बाद में क्या है कि बाद में क्या है कि भाषा आया और उसके बाद में जाति और संप्रदाय और बहुत अनगिनत संप्रदाय और बहुत सारे जाति के लोग पैदा हुए। लेकिन जब भी यीशु मसीह के पास में हम आते हैं और सभी लोग मिलकर एक जाति परमेश्वर बनाता है और उस जाति का नाम है पवित्र जाति। हालेलुया, सारे वर्ल्ड में जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे परमेश्वर की संतान होने के लिए उसको इजाजत दिया जाता है। मैं आपको ऐसा ही बता देता हूं, संसार में जीने के लिए आदमी को क्या चाहिए। संसार में आदमी को जीने के लिए, संसार में जीने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपको पढ़ा लिखा नहीं है कुछ पता नहीं चलेगा। शिक्षा पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। इतने ही नहीं, हमें इस धरती में जीने के लिए पैसा का भी जरूरत है। कोई कहेगा नहीं हमें तो पैसा नहीं चाहिए, वो झूठ बोल रहा है। हर एक इंसान को पैसा की जरूरत है। पैसा होना कोई बुराई बात नहीं है, एजुकेटेड होना, शिक्षित होना कोई बुराई बात नहीं है। और साथ ही साथ इस धरती में ही जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, गुड हेल्थ। हमारी जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए। और चौथी बात है क्या, गुड एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण हो, हमारे पड़ोसी लोग अच्छा रहे, हमारे आमने सामने के लोग अच्छा रहे। हम क्या चाहते हैं कि अच्छा वातावरण। ये चारों चीज इंसान के लिए जीने के लिए, इस धरती में जीने के लिए, शिक्षा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए और वातावरण भी अच्छा हो। प्यारे भाई बहनों, हम यही चाहते हैं। संसार सरकार इसी को उत्पादन करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन मैं एक बात आपको साफ कर देता हूं, पता नहीं लेकिन हम सबको मालूम है, बड़े शक्ति के साथ में मौत आके खड़ा हो जाता है। पता है आपको, बड़े शक्ति के साथ मौत खड़ा हो जाता है। कोई भूल नहीं पाएगा कि कल तुम्हारे काल लेने के लिए आओ, कल मैं चले जाऊंगा। कोई भूल नहीं पाएगा, कोई बोल नहीं पाएगा कि मौत तुम आज आए हो, इंतजार करो और दो दिन के बाद में तुम आना। नहीं चलेगा। आपकी आपकी एजुकेशन, आपकी स्वास्थ्य, आपकी एनवायरनमेंट, आपकी सारे दौलत, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके दोस्त यारी, आपकी सारे सुख सुविधा सहूलियत सब कुछ को छोड़कर आप उस मृत्यु के हाथों में अपने आप को सरेंडर करना होता है, अपने आप को समर्पण करना होता है।
मैं आप सबको एक बात बता देता हूं, आप ही के जीवन में सबसे बड़ा दुख की बात है, सबसे बड़ा दुख की बात है, और वो है मौत, वो है मृत्यु। कोई पसंद नहीं करता, कोई बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी आदमी पसंद नहीं करता कि हमारे जीवन में मृत्यु आए। कोई नहीं चाहता हमारे जीवन में मौत आए। लेकिन क्या है, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में मौत आएगा। आएगा तो आएगा SMS देके नहीं, मोबाइल में फोन करके नहीं, खबर देके नहीं, लेकिन आएगा तो आएगा। पता नहीं 22 में भी आ सकता है, 23 में भी आ सकता है, 2023 में भी हो सकता है। ये हफ्ता में भी बहुत सारे लोग मर जाएंगे। आपको पता है, कुछ साल पहले की बात है, हमारे पड़ोसी देश में नेपाल में शनिचरवार के दिन था, शनिवार के दिन सुबह 9 बजे के समय में बहुत बड़ा भूचाल आए और लगभग 20,000 लोग मारे गए। कुछ मारे गए हुए लोग में से कैसे कैसे आदमी थे, बच्चे भी है, जवान भी है, जवानी भी है, बूढ़ा भी है, सभी उम्र के लोग हैं। किसी को पता नहीं था कि मैं आज मारे जाऊंगा। प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी बात क्या है, बीमारी है आपके शरीर में, आपका कोई भी तकलीफ हो, प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में जाता बनेगा। लेकिन बीमारी जाने से क्या होगा, वो बीमार से बड़ा बीमार तो पाप है जो हमारे दिल में अंतर आत्मा में छुप के बैठा हुआ है। आपको पता है, कभी कभी हम लोग ये प्रश्न करते हैं, अपने आप को भी पूछते हैं, किसी विद्वान से भी पूछ लेते हैं कि आखिरी कोई पसंद नहीं करता ये मौत, आखिरी आया तो आया क्यों, नहीं आना चाहिए था। हम पसंद नहीं करते, हमारे फैमिली वाला पसंद नहीं करता, हमारे घर वाला पसंद नहीं करता, हमारे समाज के लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मौत क्यों आता है, हमारे बाप को लेने के लिए, हमारे भाई को लेने के लिए, हमारे दोस्ती को लेने के लिए, हमारे इसको लेने के लिए। बताया आपको, किसके कौन घर ऐसा होगा जिसके घर में मौत नहीं आया हो। आज मैं आपको एक चाबी भी दे देता हूं, आज शाम मैं ये चाबी भी दे देता हूं, मौत आपकी शरीर से जैसा ये आत्मा निकलेगा ना, फिर भी आपके जीवन में अनंत की आशा लेकर आने वाला बात मैं आज शाम में बताऊंगा आपको। भलाई आज बीमार तकलीफ हो जाए, तकलीफ जितना भी बीमारी कष्ट हो वो जाता रहेगा यीशु के नाम में। प्रार्थना करेंगे आप लोग, बहुत सारे लोग चंगे हो जाएंगे। लेकिन चंगाई होने से क्या होगा, अगर आपके पापों की क्षमा नहीं मिली, पापों की क्षमा नहीं मिली तो क्या है। इस धरती में जितना बड़ा तकलीफ है ना, उससे बड़ा तकलीफ तो और है। अभी हम सभी को पूछे, कोई भी पूछेगा कि भाई बहन आपका एड्रेस दे दो, हम सबका ठिकाना अपना अपना है, पोस्ट ऑफिस टेंगरे है, गांव ये है, पानी हुआ है, डिस्ट्रिक्ट तीन से, हर किसी का टेलीफोन के साथ में पिन नंबर के साथ में हम एड्रेस दे देते हैं। हमारे ठिकाना है इसी धरती के ऊपर, लेकिन एक दिन गुजर जाएंगे, एक दिन मरने के बाद में ना फिर ठिकाना नहीं रहेगा। परमेश्वर की वचन बताता है कि उसके बाद में भी ठिकाना है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, इब्रानी 9:27 में ऐसा लिखा है कि हरेक आदमी को मरना और उसका बाद में उसका न्याय का होना नियुक्ति है। आप सोचते होंगे कि खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद में कौन किधर जाएगा, यही बात मैं पकड़ के बैठा था बहुत साल तक इन बातों को पकड़ के बैठा था। अरे बाबा किसने नरक देख के आया है उसको इधर लेके आओ, स्वर्ग किसने देखा है उसको इधर बुलाओ, मैंने तो देखा नहीं किधर है मुझे दिखाओ, ऐसे नास्तिक की तरह बात करने वाला था मैं। लेकिन एक दिन आया, बहुत सारे लोग को मैं शमशान में पहुंचाया, एक दिन मेरे दिल में प्रश्न आया मैं भी इसी तरीके से मर जाऊंगा और मेरे दोस्ती पास पड़ोसी के लोग आएंगे इसी प्रकार से जलाएंगे, शमशान में ले जाएंगे, क्या होगा, जिंदगी यही है क्या, मैं ऐसा सोचता रहा। प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर की वचन मेरे हाथ में आया ना, आज मैं संतुष्ट हूं। किसी भी समय कोई भी घड़ी अगर परमेश्वर बुलाए, तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अभी निकलना है इधर से, जीवन का गारंटी उसने देके रखा है। हालेलुया। और ये जीवन का गारंटी की बात
आज शाम में मैं आपके समक्ष में बताने वाला हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदमी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने की बजाय से आदमी के जीवन में पाप आया। हालेलुया, क्या चीज आया? पाप आया। पाप ही नहीं, वो पाप की पोटली में छुप के ना मृत्यु भी आया है। क्या आया है? मृत्यु भी आया है। वही बोल नहीं सकता है कि भाई हम तो पाप रहित का आदमी है, बोल सकता है क्या? कोई बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। कोई अगर बोलेगा कि मैं तो पाप रहित का आदमी हूं, पाप नहीं है मेरे में, मैं तो शुद्ध निष्कलंक निष्पाप निर्दोष पवित्र हूं, अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। परमेश्वर की वचन में लिखा है कि आदमी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने की वजह से आदमी के जीवन में पाप और पाप के साथ साथ मृत्यु भी आया है। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। आपको पसंद आए या ना आए, परमेश्वर के वचन इंसान से बात करता है, कोई जाति और देश और कोई भाषा संप्रदाय से नहीं। परमेश्वर क्या है कि इस धरती के आदमी से बात करता है। अरे बाबा, भाषा और जाति संप्रदाय तो बाद में आया है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर इंसान से बात करता है। इसलिए मैं आप सबको ये भी चाबी बता देता हूँ, हमारे दिल में एक प्रश्न आता है, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं पाप की पाप से मुक्त होने के लिए, क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते, जो बोले वही करेगा पाप से मुक्त होने के लिए। लेकिन परमेश्वर की तरीका और कुछ ही है, बोलिए ना हालेलुया। परमेश्वर की तरीका, उसकी योजना, उद्देश्य कुछ ही है, अलग है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण से आदमी के जीवन में पाप आया, और पाप अकेला ही नहीं, पाप के साथ साथ में मृत्यु भी आया है। कोई बोल नहीं पाएगा, अरे बाबा हम तो इतना बड़ा विद्वान है, चंद्रमा में भी जा चुके हैं हम लोग, हम बहुत बड़ा यान बनाया है हम लोग ने, सबसे पहला राशिया के लोग, वो एक बड़ा हुस्टुक नाम का एक विमान बना के सारा पृथ्वी को चक्कर काटा था, विदेश के अमेरिकन लोग चंद्रमा में चले गए, अभी तो हमारे भारत के लोग भी चले गए। पता है आपको, कोई विद्वान नहीं बोल सकता कि मैं तो मौत से बच के रहूंगा, बोल सकता है क्या कोई साइंटिस्ट हो, कोई विद्वान हो, कोई ज्ञानी हो, कोई तत्वदर्शी, कोई महर्षि हो, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी, कोई भी आदमी क्यों ना हो, कोई नहीं बोल सकता कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मौत नहीं आएगा। लेकिन मैं खुशखबरी आपको देता हूँ, खुशखबरी और आशा भरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है, आप मरोगे फिर भी सदा के लिए जीवित रहोगे। हालेलुया। अब इस धरती में तो क्या है, तकलीफ है, झगड़ा है, चोरी है, गुंडागिरी है, बलात्कारी है, हम लोग हर बार न्यूज में देखते हैं तो चोरी, डकैती, हत्या, महामारी, दुर्घटना, बलात्कारी, बहुत तमाम प्रकार की समाज में भरा पड़ा है। अभी हमारे आश्रम में तो कितना नशा पानी, ड्रग्स, कानी वगैरह, तमाम प्रकार की गंदा बात चल रहा है, पकड़ते पकड़ते हमारे प्रशासन भी थके हुए हैं। ये क्या है, पाप की बाजार से संसार भरा पड़ा है। प्यारे भाई बहनों, इसकी एक ही समाधान, एक ही सोल्यूशन है, वो है नया जिंदगी पाना जरूरी है, दिल। क्योंकि ये सभी बुराई की जो जड़ है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि उसकी वजह से ये बुरा हुआ, इल्जाम लगाते हैं दूसरे के ऊपर में, उसकी कारण से वो खराब हुआ। लेकिन क्या है पता आपको, पाप जो है ना हमारे दिल दिमाग से ताल्लुक रखता है, पाप जो है हमारे लहू की बूंद बूंद से रिश्ता रखता है। किसी ने सिखाया नहीं, कोई विद्यालय में गया नहीं, कोई माँ बाप ने सिखाया नहीं, कोई दोस्ती यारी ने सिखाया नहीं पाप करने के लिए। लेकिन क्या कि हर एक के दिल दिमाग पाप करने के लिए उतावले होकर उभरते हैं। पता है आपको, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी आपका ठिकाना बताया तो भारत की हम आसाम के अलग अलग जगह के ठिकाना दे देते हैं,
लेकिन एक दिन ऐसे भी समय आएगा संसार से आप विदा हो जाएंगे, तो जाएंगे तो जाएंगे कहां? भलाई आपकी शरीर कितना भी ब्यूटी क्यों ना हो, आपका शरीर कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, उठाएंगे और कहेंगे क्या, चलो इसको जलाना है दफनाना है, कुछ भी कर्म कर देंगे, लेकिन वो तो डेड बॉडी है ना, खाली घर है, वो खाली घर है बाबा, खाली घर है, खाली घर को ना कुछ भी करने से आवास नहीं देगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, घर के अंदर में बैठा हुआ आदमी आत्मा किधर जाएगा, ये बड़ी बात है। और परमेश्वर की वचन क्या बताता है उसके बारे में, परमेश्वर के वचन में ये बताया है, हम लोग बहुत बार सुना है, मैं भी एक समय में प्रश्न करता था, अरे बाबा किसने देख के आया, मैं सबूत मांगता था, थोड़ा विज्ञान में विश्वास करने वाला लड़का था, हमारे आसाम में हम लोग, मैं पढ़ा या मैं पैदा हुआ या मैं पढ़ाई किया, एटा हमें आसिल हमें इतने उखली हूँ आज पूरा कमे पंचाश बस आगे बुझे कब लगे इतना मैं 61 হৈছোঁ 61 বছৰ এটা সময় আছিল আমি পৰাখালীত পঢ়ি আছিলো 551 দুকুৰি ঘৰ 510 মান দিগ আৰু কোনো হিন্দী বলে বলা আগিয়া আমাৰ আসাম মে ইতনা তকলিফ হতা থা কি আরে ভাই কিয়া বল ৰহা হে আদমি আগৰ হিন্দী বল দিয়া তো লাগতা হে কি ভাই ভাই ইয়ে বাহাৰ সে কই অঞ্জনে ভাষা মে ৰহা হে ऐसा लगता था। लेकिन समय बदल गया है, आज हमारी ऐसे तो आसामिश जो भाषा है वो मेरे दाया छाती के अंदर ये हूफाले, अखमर जो भाषा तो बड़े हूफाले, हिंदी राष्ट्रीय भाषा माओ फाले और बुकुर मजब जिसु ये हमारी मातृभूमि है, इससे हम प्यार करते रहेंगे। एक जमा समय आसिल समय मुकुल आज आम सकते जो मैं हिंदी ते कौ ना सबे बुझी पाए। प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको बहुत जल्दी से समाप्त भी करूंगा और आप सबके लिए हीलिंग और मिरेकल होने के लिए, चंगाई होने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत काम होने के लिए आपके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा। लेकिन आप इतना ही मत सोचना कि मैं चंगा होने से हो गया, लेकिन चंगाई से भी बड़े बात यह है कि आपकी पाप जो है ना वो बीमार से भी वो बड़ा बीमार है। आपके शरीर में कैंसर हो, पैरालाइज हो, टीवी हो, अर्थराइज हो और कुछ भी हो, और कितने मलेरिया बीमार हो, बहुत सारे बीमार होता है, बीमार परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है, स्वर्ग का आशीर्वाद नहीं है। बीमार तकलीफ मुसीबत टेंशन डिप्रेशन ये परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है क्या? ये स्वप्ना ये सभी पापों और बुराई का फल है। परमेश्वर तो क्या है, आनंद और शांति, अनंत का आशा, खुशहाली। थोड़े दिन धरती में रहोगे, प्रार्थना की जीवन के साथ आनंद और शांति से जियो, एक दिन आत्मा निकल जाएगा तो स्वर्ग में चले जाओगे। बाइबल बताता है, मैं अभी बाइबल खोलूंगा नहीं, जो भी प्रचार कर रहा हूं ज्यादा तौर से क्या है कि दो एक एग्जांपल दे रहा हूं, भारी मात्रा में बाइबल से ही प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जाने के लिए उसने योजना लिया, एक योजना धरती में नहीं, कोई यूएन में नहीं, कोई पार्लियामेंट में नहीं, ये योजना हेवनली, हेवनली स्वर्गीय पार्लियामेंट में, वहां में लिया गया। हेलो भैया, सर्वशक्तिमान इंसान को बनाने वाला परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, हमें अनंत की जीवन देने के लिए, पापों की मोक्ष देने के लिए, अनंत अमर जीवन देने के लिए परमेश्वर ने यह योजना स्वर्ग में बनाया इस धरती के इंसान के लिए। और ये योजना ये था कि परमेश्वर की जो वचन जो है वो इंसान के रूप धारण करके इस धरती में पैदा हुई। परमेश्वर की जो वचन है, परमेश्वर की जो वचन है वो देह धारण करके इस धरती में पैदा हुआ और उसी का नाम है
यीशु मसीह। हालेलुया। क्या नाम है उसका? अरे भाई जोर से बोलिए ना, क्या नाम है उसका? यीशु मसीह। आप हमारे पुराना डिक्शनरी में देखिए, जो आसाम डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी में देखिए, जीसस, जीसस का अर्थ बताया है वहां। जीसस मीन्स सेवियर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य का बचाने वाला है, सेवियर ऑफ मैनकाइंड, आदमी को उधार करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार को ऐसे प्रेम किया और परमेश्वर इंसान के रूप में इस धरती में पैदा हुए और उसका नाम है यीशु मसीह। उसका, अरे भाई जोर से बोलिए ना, क्या नाम है उसका? यीशु मसीह। आप हमारे पुराना डिक्शनरी में देखिए, जो आसामिस डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी में देखिए, जीसस, जीसस का अर्थ बताया है वहां में। जीसस मीन्स सेवियर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य का बचाने वाला है, सेवियर ऑफ मैनकाइंड, आदमी को उधार करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार को ऐसे प्रेम किया और परमेश्वर इंसान के रूप में इस धरती में पैदा हुए और उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह इस धरती में कोई धर्म सिखाने के लिए नहीं आए, चलो मैं भी एक अच्छा धर्म पैदा कर दूंगा। बहुत सारा धर्म तो है, लेकिन इसके बीच में और एक खड़ा कर दूंगा मैं भी। इस उद्देश्य से बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल 100% नहीं आया। मैं बहुत सारे धर्म के बीच में और एक नया धर्म खड़ा करने के लिए आया हूँ, बिल्कुल नहीं बताया है। लेकिन यीशु मसीह इस धरती में आए, उसने बोला क्या, मैं इस धरती में इसलिए आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे पापों की प्रायश्चित के लिए मैं अपने आप को बलिदान देने के लिए आया हूँ। पापों की, बाइबल परमेश्वर की वचन बताता है क्या, पाप की मजदूरी, जब हम दिन भर काम करते हैं तो मजदूरी पाते हैं, पाप जो है एक काम है। पाप भलाई कोई नहीं जानता, छुपके कि पाप ऐसा चीज है ना, हमारे मस्तिष्क में नहीं लिखा गया कि तुम इतना बड़ा पापी नहीं हो, इतना बड़ा पापी है, लिखा है क्या किसी का? नहीं लिखा है। जब आप पाप करते हो ना, आपका दिमाग बोलेगा, चाहे छुपके करो, अंधेरा में करो, 12 बजे करो, दिन में करो, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर के सामने में छुपाए नहीं जाता। इसलिए परमेश्वर का दूसरा नाम है सर्वज्ञानी। हालेलुया। सर्वज्ञानी का मतलब होता है क्या, सब कुछ जानता है। आप मत सोचिए कि भाई कमरा में तो नहीं देखेगा, कोई नहीं है रात का 12 बजे का अंधेरा में। परमेश्वर का तीसरा नाम ये भी है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हालेलुया। आपके दिल में क्या सोचते हैं, दिमाग में क्या पैदा होता है ना, वो भी जानता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी भी है, और वो पवित्र भी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं इस धरती में आया हूं तुझे बचाने के लिए, धर्म पैदा करने के लिए नहीं, धर्मांतर करने के लिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई अगर का दर्जा पाना, अनंत जीवन का भागीदारी होना और यीशु मसीह को व्यक्तिगत तरीका से हृदय में ग्रहण करना, यीशु को प्रभु मानना, और जितने लोगों की पाप की क्षमा, पापी तो सभी पापी है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं। मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं बताने वाला कौन होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन बताता है कि एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध, ऐसा लिखा है। इसलिए स्वर्ग में, अगर इस धरती से जब ठिकाना बदलने का समय आएगा, स्वर्ग में अगर आप नहीं पहुंचे तो आप नरक में जाओगे। नरक में, नरक का विवरण ऐसा लिखा है, नरक तो भूत आत्मा के लिए बनाया है, नरक हरणहार शरीर को अमृत, और ये विनाशी शरीर को अविनाश, अविनाश और अमृत शरीर, जब आत्मा, ये आत्मा तो क्या है, चलो बाबा मिट्टी में डाल देगा ना, बहुत सारे कब्रिस्तान हो गए इधर में, आप खोद के देखिए, हो ना हो थोड़ा कुछ हड्डी मिल जाएगा आपको, मिट्टी हो गया, थोड़ा साल के बाद में खोद के देखोगे हड्डी भी नहीं मिलेगा, मिट्टी हो जाएगा। लेकिन बात क्या है, बात क्या है बोले सरा, आत्मा मिट्टी नहीं होता है, आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया,
शरीर तो मिट्टी हो गया, जलाए तो राख हो गया, खेल खत्म। लेकिन आत्मा जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये बहुत बड़ा प्रश्न उभर के आता है। हेलो, सुन रहे ना? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप एक इंसान होने के नाते एक दिन मरोगे इसी धरती के ऊपर में। आपके रिश्तेदार, अपनी दोस्ती यारी, अपने माया प्रेम के बंधन से बांधे हुए लोगों को सबको छोड़ने का समय आएगा, और आपकी शरीर को भी छोड़कर, बने बनाया हुआ सुंदर घर को भी छोड़कर, आपकी शरीर को भी छोड़कर आत्मा टुपुक से निकल जाएगा। तो आत्मा जाएगा तो जाएगा कहाँ, ठिकाना है क्या आपको? अगर आप पाप में ही गर्भ धारण हुआ, पाप में ही पैदा हुआ, पाप में ही जिंदगी जिया, भला ये आदमी उसको पता होता कुछ भी नहीं, पाप में ही मरा, स्वर्ग में जाओगे क्या? परमेश्वर के वचन उत्तर देता है, पाप लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है। अरे हालेलुया बोलिए ना, स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है पाप लेके। स्वर्ग अमर है, पवित्र है, अनादि अनंत काल के लिए है। स्वर्ग में प्रवेश करना हो तो उसको पाप की क्षमा जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, छेदा गया उसकी बदन में भाला से छेदा गया। प्यारे भाई बहनों, देखने के लिए कोई खूबसूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन बताता है, संसार के इंसान को प्रेम करने के लिए मैंने तेरे लिए अपने शरीर में ये सभी भुगता है। मैंने तुम्हारे लिए मैंने जख्म उठाया, तुम्हारे लिए मैं मौत की सजा उठाया है, तेरे लिए मेरे हाथ और पांव को छेदा गया, तेरे लिए मैंने मौत की सजा काटा है। यीशु की ये आवाज है। प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह क्रूस में मारे गए, हजारों लोग देखता रहा, यीशु मसीह मारे गए, मरा कि नहीं मरा, भाला से यहां से छेदा गया और पूरे तरीके से है? अभी 61 चल रहा है भाई, है? कितने साल है? लेकिन पता है परमेश्वर गारंटी देता है। परमेश्वर क्या बोलता है? नहीं 80 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200, 500, 1000 नहीं। वो क्या बोलता है कि मैं तुझे अनंत काल की जीवन देता। अनंत का मतलब समझते हो? अनंत का मतलब होता है क्या? कभी भी अंत नहीं होता है। हालेलुया, यीशु मसीह को विश्वास करना, उसको ग्रहण करना, उसको पहचानना धर्म नहीं है। ये क्या है कि परमेश्वर का बेटा और बेटी, स्वर्ग का नागरिक और अनंत जीवन का हकदार ही होना है। हालेलुया, ये बिल्कुल धर्मांतर नहीं है। धर्मांतर होने से तरह मैं नहीं करता था। 1932 में हमारे पिताजी भारत में आए, ब्रिटिश का समय में, इंडियन आर्मी होने के लिए। ब्रिटिश का जमाना में ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग तो यूके में चले गए, रिटायर हुआ, मरा भी बहुत सारे तो है नहीं। मेरे बाप भी आया, और पूरे खानदान जो है इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट में था। मैं भी ऐसे सपना सोचता था कि मैं भी एक दिन बड़ा ऑफिसर बन के रहूँगा, ऐसा सपना दिखाई देता था दिल में। लेकिन परमेश्वर की योजना और कुछ ही था जो मैं आज यहाँ आपके सामने में खड़ा हूँ। हालेलुया, अभी मैं सीधे सीधे थोड़े समय के बाद प्रार्थना में चले जाऊंगा आपको। मैं परमेश्वर ये बता रहा है आज शाम में यहाँ में, आप बहुत सारे लोग क्या है कि आप तो परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहा है कि आपको चंगाई होने के लिए पापों से आपको मन फिराना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर तेरे विरुद्ध में मैंने जानते हुए ये पाप किया है, अनजान में ये पाप किया है, परमेश्वर तेरे सामने में, परमेश्वर के सामने में कोई छुप नहीं जाता, आपको पाप स्वीकार करना है। उसके बाद में देखिए, मैं छूंगा नहीं आपको, परमेश्वर यीशु मसीह आपको छुएगा, और परमेश्वर आपको छूकर जहां में आप है ना, वहीं पे आपको चंगाई देगा। हालेलुया, यीशु के लिए बड़े जोर की ताली बजाएंगे एक बार, जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए जोर की ताली की गड़गड़ाहट से प्रभु की महिमा करेंगे और कहेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे स्वर्गीय पिता तो सब कुछ देख रहा है, छोटा बच्चा से लेके सभी युवा और युवतियों को तो आशीर्वाद देना, बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, बिगड़े हुए संसार में
पवित्रता और धार्मिकता की जीवन जीने के लिए तो सद्बुद्धि और सद्ज्ञान